जी तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के टेस्ट सीरीज स्टार्ट है तो थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है एमसीक्यू है इंटरमीडिएट इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस बोथ इज पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं फिर चलेंगे हम ऑप्शन की तरफ इंटरमीडिएट मतलब क्या है दरमियान में बनने वाला जब भी हमारे पास मेटाबॉलिकल रिएक्शंस होते हैं ना तो उन मेटाबॉलिकल रिएक्शंस में से क्या होता है रिएक्टेंट होते हैं और वो रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं फाइनली प्रोडक्ट बना लेते हैं लेकिन रिएक्टेंट के प्रोडक्ट बनने में कभी क्या होता है कि सेंटर में कुछ और भी इंटरमीडिएट बनते हैं जो कि फर्दर प्रोसीजर के थ्रू फर्दर कुछ ना कुछ रिएक्शन के थ्रू गुजरने के बाद प्रोडक्ट फाइनली बनाते हैं तो वो जो के प्रोडक्ट होते नहीं है लेकिन वो बाद में प्रोडक्ट बना बनाते हैं और जो जो फर्दर कंटिन्यू करते हैं रिएक्शन को वो जो बीच में बनते हैं दरमियान में बनते हैं वो कहलाते हैं इंटरमीडिएट तो इस वक्त आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इंटरमीडिएट्स के बारे में किसके इंटरमीडिएट्स कौन से रिएक्शन के इंटरमीडिएट अबाउट रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथिस तो पहले तो इन दोनों को हम समझ लेते हैं रेस्पिरेशन क्या है रेस्पिरेशन आपने सेल्यूलर रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा लेकिन अगर आपसे कोई सिर्फ रेस्पिरेशन का मतलब पूछे तो आप क्या कहेंगे आप कहेंगे दैट रेस्पिरेशन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस गैसेस का एक्सचेंज होना रेस्पिरेशन कहलाता है तो आप क्या कहेंगे रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इज सेलुलर रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस गैसेस का एक्सचेंज होना रेस्पिरेशन कहलाता है ठीक है और अगर हम दूसरे लफ्जों में कहें सेलुलर रेस्पिरेशन को हम जैसे कि आप जानते हैं कि हम ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं इसको ठीक है तो ऑक्सीडेशन दूसरा यहां पे हमारे पास वर्ड है पूछा गया रिएक्शन के बारे में फोटोसिंथेसिस फोटो क्या है लाइट फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस होता है तैयार होना प्रिपेयर होना बनाना तो प्रिपरेशन तो फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या बनता है फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज फॉर्म होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्लांट्स वो प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस और ये होता किससे है सी ओ टू और एस टू ओ से मिलके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है ये हमारे पास रिएक्शन है किसका फोटोसिंथेसिस का अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन जैसे हमने इसको ऑक्सीडेशन कहा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का तो रिएक्शन क्या है सी सिक्स क्या ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस ओ टू और ये कन्वर्ट होता है किसमें सी ओ टू प्लस वाटर मॉलिक्यूल ठीक है तो ये हमारे पास दो रिएक्शन है अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन है इंटरमीडिएट इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस और रेस्परेशन के रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या है दरमियान में क्या बनता है दरमियाना क्या होता है जो फाइनल प्रोडक्ट है तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए इज राइबोज एंड हैप्टोज राइबोज जैसे क्या आप जानते हैं राइबोज क्या है राइबोज फाइव कार्बन कंटेनिंग राइबोज क्या है फाइव कार्बन कंटेनिंग एल्डो Eldo है एल्डोज है ठीक है एल्डिहाइड कंटेनिंग फाइव कार्बन होते हैं इसमें देन है heptilose. Heptilose क्या है? ये सेवन कार्बन कंटेनिंग कीटो है और इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज ये ग्लूकोज और ग्लेक्टोज क्या है ये दोनों सिक्स कार्बन कंटेनिंग एल्डो हैं और इसके साथ हमारे पास ऑप्शन है ग्लिसर एल्डिहाइड एंड डायड्रोक्सीडोन ग्लिसर एल्डीहाइड थ्री कार्बन कंटेनिंग एल्डो है जबकि डाई हाइड्रोक्सिडोन थ्री कार्बन कंटेनिंग है यहां पे ऑप्शन डी है हमारे पास एंड कार्बन कंटेनिंग हैटो है जबकि राइबुलाइव कार्बन कंटेनिंग कीटो ग्रुप है तो अगर हम सही ऑप्शन की बात करें इस वक्त तो हमारे पास सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जो कि ग्लिसर एल्डीहाइड एंड डाई हाइड्रोक्सेटोन इसमें एल्डीहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है और दोनों में तीन कार्बन आइटम होते हैं तो जब ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है क्योंकि ग्लूकोज सिक्स कार्बन है तो जब ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है या फिर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो हमारे पास ये बनते हैं ग्लिसर एल्डीहाइड एंड डहाइड्रोक्सेसिटोन जो कि दोनों थ्री कार्बन है इसके अलावा अगर ऑप्शन में आपके पास ट्राईओज का ऑप्शन आता तो वो भी ठीक था क्योंकि ये दोनों मिलके ट्रायोजिस ही कहलाते हैं